अस्सलाम वालेकुम, स्टिचिंग एंड कटिंग चैनल में खुश आमदीन। आज हम आपको एक तकरीबन 4 साल की बच्ची की फ्रॉक बनाना सिखाएंगे। ये हमारे पास कुछ बचे हुए पीसेस थे तो इसकी हम फ्रॉक बनाएंगे। तो ये मेरे पास कपड़ा है, इसको मैंने 4 पीसेस में ले लिया है और 21 इंचीज इसकी टोटल लेंथ है और 14 इंचीज इसकी विड्थ है इस कपड़े की। और ये जो कपड़ा है यहाँ, इसका मैं तीरा लूँगी और उस जो मैंने पहले कपड़ा पेमाइश किया है उसका मैं नीचे घेरा बनाऊँगी। तो ये कपड़ा है, ये मैंने 4 हिस्सों में लिया है और इसको मैंने तय करके रख लिया है। ये डिफरेंट मेरे पास पीसेस बचे थे तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी फ्रॉक बनाई जाए। इसकी जो टोटल लेंथ है वो 8 इंचेस बन रही है और विड्थ इसकी 9 इंचेस बन रही है। और यहाँ से सबसे पहले मैं इसका तीरा लूँगी और उसके बाद फ्रॉक मैं अपनी बनानी स्टार्ट करूँगी। 5.5 इंचेस मैंने इसका तीरा लिया है और जो इसके कंधे हैं वो मैंने 5 इंचेस तक यहाँ तक मैंने रख लिए हैं। अब मैं इसको आपस में अटैच कर लेती हूँ। ये मैंने यहाँ तक जो है वो निशान लगा लिया है। अब यहाँ से मैं इस साइड पे निशान लगाऊंगी इस तरह से, और उसके बाद यहाँ पे जो मेरी जो ये चेस्ट की फिटिंग होगी वो होगी तकरीबन 6 इंचेस तक। और उसके बाद यहाँ से हल्का सा गोलाई में निशान लगा लें ताकि अगर आप हाफ भी अगर रखना चाहते हैं तो भी ठीक है, लेकिन क्योंकि अब विंटर है, विंटर सीजन है, तो इसलिए ये हम फुल स्लीव्स इसके रखेंगे। ये देखिए यहाँ से मैंने इसकी फिटिंग कर लिया और अब यहाँ से मैं इसकी आर्म होल की जो है वो सबसे पहले कटिंग कर लूँगी। ये मैंने यहाँ से कटिंग कर ली है, ये हिस्सा भी अलग कर लूँगी। अब यह हमारा जो ऊपर वाली पेटी है वो रेडी हो चुकी है। और उसके बाद अब ये जो नीचे वाला हिस्सा है, ये जो मैंने पहले उसकी पेमाइश की थी, ये इसका मैं घेरा बनाऊंगी। और यहाँ से मैं इसकी जो है वो तकरीबन एक इस तरह से कटिंग करूँगी कि ये अम्ब्रेला शेप में आ जाए। और अम्ब्रेला शेप में भी इस तरह से लानी है कि हमने उसकी कटिंग नहीं करनी क्योंकि हमने ओपन शर्ट बनानी है। और ये डबल शेड में मैं लेकर आऊँगी इस कपड़े को। यहाँ से इस तरह से बिल्कुल वी शेप में मैंने निशान लगाने के बाद उसको कट कर लूँगी। यहाँ से वी शेप में लेकर उसके बाद ये ऊपर जाली का कपड़ा है और ये हमने यहाँ पे इस शर्ट के ऊपर लगाएंगे। देखिए बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, इसका हमने ड्रेस बनाया था और अब ये कपड़ा बहुत थोड़े से पेमाइश में बचा है तो इसलिए हम इसकी फ्रॉक बना रहे हैं। इसको हम सिर्फ फ्रंट साइड पे लगाएंगे और ये फ्रंट साइड का कपड़ा मैंने अलग कर लिया है और इसको मैं यहाँ पे इस शर्ट के ऊपर बिल्कुल जो मैंने पहले कटिंग की है उसके साथ रखूँगी और उसी के हिसाब से मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। जितने मेरी ये ऊपर वाली मैंने ये रखी है, ये रखी इसका जो कपड़ा मैंने रखा है, जो मैंने अंदर वाली साइड पे रखना है, बिल्कुल उतना ही मैं ये जाली वाला कपड़ा भी कट कर लूँगी बिल्कुल इसके इसी के हिसाब से। ये देखिए ये मैंने कटिंग कर ली है इसकी। अब इसका डिज़ाइन किस तरह से करना है वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। और ये मैंने स्लीव्स है मेरे पास जो ऊपर वाली साइड पर बचे हैं अलग से कपड़े के, वो स्लीव्स भी मैंने कट कर ली हैं। और अब ये जो कपड़ा है इसको, ये जो ऊपर वाली मैंने पेटी कट की थी उसके साथ बिल्कुल उसकी पेमाइश का कपड़ा लूंगी। जितना मैंने पेटी का पहले कपड़ा कट किया था स्लिप का, बिल्कुल उतना ही मैं ये जाली वाला कपड़ा भी कट कर लिया है मैंने। ये देखें बिल्कुल उसके हिसाब से, बिल्कुल उसी की पेमाइश का मैंने कपड़ा लिया है। अब इसके साथ इस तरह से मैं सिलाई करके तो इसको इसके साथ अटैच कर लूँगी। ये मैंने अटैच कर लिया है और अब यहाँ से मैंने गोल नेक भी लिया है, गोल नेक लेके कट करके उसके बाद मैंने यहाँ पे अलग से एक कपड़ा लगाया है इसकी बैक साइड पे और इसका बैक नेक भी मैंने बना लिया है जिस तरह से फ्रॉक्स वगैरह का बनाया जाता है। और फ्रंट पे भी मैंने ये देखिए नेक बना लिया है गोल शेप में मैंने बना के, आप अपने अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं। तो मैंने ये गोल शेप में बना के तो इसके साथ मैंने कपड़ा अटैच किया है। कपड़ा अटैच करने के बाद मैंने इसकी अंदर वाली साइड पे तुरपाई कर ली है। तो ये मैंने यहाँ से स्किप इसलिए किया है क्योंकि मैं आपको पहले बहुत दफ़ा ये फ्रॉक का जो है वो नेक बनाना हमें सिखा चुकी हूँ, तो इस तरह से ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी थी इसलिए मैंने यहाँ से थोड़ा सा स्किप कर दिया है। और उसी तरह से ये जो इसका इसकी जो बैक साइड है वो मैं दोबारा से आपको बनानी बता देती हूँ।
यहाँ से इसका जो है वो मैं इस तरह से लूँगी ये कपड़ा, और यहाँ से मैं इसको गोलाई में कर लूँगी। यहाँ से इस तरह से लेके, और अब मैं यहाँ से गोलाई में ये कट कर लेती हूँ। गोलाई से कट करने के बाद, उसके बाद यहाँ से ये हम कमीज़ की जो फ्रॉक की जो बैक साइड है वो बनाएंगे, क्योंकि फ्रॉक की बैक साइड बनाना अक्सर मुश्किल लगता है, खासकर जो छोटे बच्चों की होती है फ्रॉक्स की। तो वो अब ये यहाँ पे मैंने ये इसका बैक साइड मैंने कट कर ली है, और उसके बाद ये बैक साइड को मैं एक कपड़े के ऊपर रखूँगी, बिल्कुल उसी तरह का एक कपड़ा है उसके साथ रख के, तो यहाँ पर इस तरह से मैं सिलाई कर लूँगी इसकी। हमारी बैक साइड भी रेडी हो चुकी है। अब ये वाला जो हिस्सा है इसका, नीचे वाला हिस्सा है, इसको मैं शर्ट की जो बैक साइड है पेटी, वो मैंने बिल्कुल सिंपल रखनी है। यहाँ पे रख के मैं इसको सिलाई कर लूँगी, क्योंकि मैंने पेटी की जो बैक साइड है उसको, उसके ऊपर मैंने जाली वगैरह नहीं लगाई है, सिर्फ फ्रंट साइड पे मैं जाली लगाऊंगी। और फ्रंट साइड पे किस तरह से मैं जाली लगाऊंगी वो भी मैं आपको तरीका बताती हूँ। और ये मैंने यहाँ पे इसकी जो पेटी है बैक साइड की, उसके साथ मैंने नीचे वाला जो घेरा है उसको सिंपली मैं अटैच कर रही हूँ। ये इसकी जो बैक साइड है वो मैंने इसके साथ अटैच कर दी है। ये देखें बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है हमारी फ्रॉक, और कपड़ा जो है वो बिल्कुल, आप इसको शमूज का कपड़ा भी ले सकते हैं, सिल्क का कपड़ा भी आप ले सकते हैं, और इस तरह से आप अगर आपको अगर जाली वाला कपड़ा ना मिले तो आप इस अंदाज पे कोई और कपड़ा भी ले सकते हैं। अब ये इसकी जो नीचे वाला घेरा वाली जाली है वो देख लें आप, फ्रंट और बैक साइड दोनों पे मैंने कपड़े को अटैच नहीं किया बल्कि सिर्फ बैक साइड पे किया है, और दरमियान से मैं इसको बिल्कुल मिड से मैं कट करूंगी। ये देखें ये मैंने इसको बिल्कुल दरमियान से, दरमियान वाला हिस्सा जो है वो मैंने कट कर लिया है, और ये इस तरह से आ गया है। और अब ये जो हिस्सा है यहाँ पे मैं इसको बंद करने के लिए यहाँ पे ये कपड़ा मैं लगाऊंगी इसकी एक पाइपिंग सी बना के, तो यहाँ पे मैं सिलाई लगाऊंगी, और उसके बाद इसको सिलाई लगाने के बाद इसकी मैं पाइपिंग बनाऊंगी यहाँ पे, ताकि ये जो जाली है ये ख़राब ना हो यहाँ से, और ना ही इसका जो धागे वगैरह हैं वो निकलें। तो मैंने इसके फ्रंट हिस्से पे इस तरह से फोल्ड करके तो इसकी जो है वो सिंपली सिलाई लगा ली है। ये देखें ये सिलाई लगाने के बाद मैंने अंदर वाली साइड पे मोड़ के, ये देखें अंदर वाली साइड पे मैंने मोड़ा है, और एक सिंगल मैंने सिलाई लगाई है। आप चाहें तो आप इसको तुरपाई कर सकते हैं, चाहें तो आप इसको सिलाई कर सकते हैं। ये देखें ये मैंने अब इसकी तुरपाई भी कर ली है, ये आप देखें तुरपाई दोनों हिस्सों की मैंने कर ली है। और उसके बाद अब जो नीचे वाले घेरे का कपड़ा था फ्रंट वाला, बैक साइड मैंने पहले छोड़ दी है, और अब ये जो फ्रंट वाला कपड़ा है इसको इस जाली के ऊपर मैं रखूँगी इस तरह से। ये देखें यहाँ पे ये वाला हिस्सा मैंने रखा, और दूसरी साइड वाला जो कपड़ा है उसको भी मैं इसके साथ इस तरह से रखूँगी, और ये रखने के बाद बिल्कुल सही से यहाँ पे मैं सिलाई लगा लूँगी इसकी। ये एक हिस्सा मैंने जोड़ा है, अब इसी तरह दूसरा हिस्सा भी इसके साथ सही अटैच करना है। और ये आप ध्यान रखें कि जो दोनों जोड़ हैं उनको आप सही से एक दूसरे के साथ मिलाएं। और ये तकरीबन जाली वाला कपड़ा जो है ये इस तरह का है कि ये खींचने वाला कपड़ा है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा पकड़ के तो इसकी सिलाई लगाई है। अब इसके साथ मैं ऊपर वाला जो इसकी पेटी है फ्रंट वाली वो इसके साथ मैं अटैच करूँगी इस तरह से मैं रखूंगी, और ये हिस्सा मैं इसके साथ इस तरह से रख के तो यहाँ पे मैं सिलाई लगा लूँगी इसकी। जी तो ये हमने मैंने सिलाई लगा ली है, और साथ में मैंने इसके बाजू भी अटैच कर दिए हैं। ये आप देखें ये किस शेड में आ रही है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत हमारी फ्रॉक बिल्कुल रेडी होने वाली है। आप देखेंगे और बिल्कुल हैरान रह जाएंगे कि कितनी ज़्यादा खूबसूरत हमारी ये फ्रॉक है।
और ये मेरे पास एक लैस थी, जैसे कि कपड़ा बचा हुआ था वैसे ही लैस भी पड़ी हुई थी। और ये देखिए बहुत ज़्यादा साथ में खूबसूरत लग रही है और बिल्कुल मैच हो चुकी है। इस तरह से मेरी बहुत सी फ्रॉक्स होती हैं या बहुत सी लेसेस होती हैं, मैं उसको संभाल के रख देती हूँ ताकि बाद में मेरे बहुत से काम आ सकती हैं ये लेसेस वगैरह, बटन्स वगैरह। तो मैं ये सारी चीज़ें को बिल्कुल संभाल के रख देती हूँ। तो ये मैं इस लेस को भी इसके साथ इसी तरह से अटैच करूँगी। ये बिल्कुल अलग तो प्लास्टिक की लेस रही है, लेकिन इसके ऊपर सिंपली सिलाई हो जाती है इसके दरमिड में, जहाँ पे बिल्कुल सुराख होता है। तो यहाँ पे जहाँ पर सिलाई लगाने वाली जगह है वहाँ पर मैं रख के, तो इसके दोनों साइड पे फ्रंट पे सिर्फ मैं लेस लगाऊंगी ताकि ये मेरी सही से बोटीक स्टाइल फ्रॉक बन जाए और पहनाने में ये बहुत ज़्यादा इजी भी रहे और बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी लगे। तो ऐसी स्टाइलिश फ्रॉक आपने पहले नहीं देखी होगी, उम्मीद करती हूँ। कैसी लगी आपको ये हमारी फ्रॉक? अब इसके एंड इसके जो साइडों पे जो फिटिंग की सिलाई है वो भी मैं लगा लेती हूँ और उसके बाद आपको मैं इसकी फाइनल लुक भी दिखा लूँगी। इसका नीचे वाला हिस्सा, इसको भी फोल्ड करना रह गया है, ये भी मैं फोल्ड कर लेती हूँ और ये हमारी फाइनल लुक। देखें कैसी लगी आपको हमारी वीडियो, ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें।